हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वीरेन और आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने ट्रैवल के जो फोटोग्राफ्स हैं उनमें नया डायमेंशन ऐड कर सकते हो। अक्सर हम जब किसी ट्रैवल पर जा रहे होते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है एक ऐसे फोटोग्राफ की जिसमें हमारा ह्यूमन एलिमेंट भी हो और जो सनसेट या सनराइज़ के टाइम सनराइज़ का टाइम हो उस टाइम का हमारा वो कलर्स वो ह्यू भी हमको नज़र आए। लेकिन चैलेंज ये है कि जब भी हम इस टाइप का कोई सिनेरियो देखते हैं जहाँ पर लेट्स से एक पार्ट जो कि स्काई वाला पार्ट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट है और कंपैरेटिवली जो लैंड पार्ट है वो बहुत कम ब्राइट है, तो इस केस में चैलेंजेस बहुत बड़े हो जाते हैं। बिकॉज अगर आप स्काई को प्रॉपर कैप्चर करने की कोशिश करते हो तो आपका लैंड पार्ट डार्क हो जाता है, और अगर आप लैंड पार्ट को प्रॉपर कैप्चर करने की कोशिश करते हो तो आपका जो स्काई पार्ट है वो बिल्कुल ओवर ब्राइट हो जाता है। तो आज का ये वीडियो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अब अगर आप किसी भी ऐसे फोटोग्राफ को देखें जो ट्रैवल में है तो वहाँ पर हम क्योंकि किसी नई जगह जा रहे होते हैं, हम किसी ऐसी जगह पर जा रहे होते हैं जहाँ पर हमारे ह्यूमन एलिमेंट से ज़्यादा हमारा जो जिस लोकेशन जिस प्लेस जिस मॉन्यूमेंट को हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है उस एलिमेंट को भी रखने की, अपना कुछ एड ऑन जो हम एलिमेंट एड ऑन करना चाहते हैं उन एड ऑन्स को भी उन एलिमेंट्स को भी रखने की। तो जो बैलेंस है लाइट का बैलेंस वो बहुत ही ज़्यादा अनइवन होता है। आपके लिए चैलेंजेस ये हो जाते हैं कि एक पार्ट बहुत ज़्यादा ब्राइट है एक पार्ट बहुत ज़्यादा डार्क है, इसको कवर अप करना है। कवर अप करेंगे बहुत सारे तरीके हैं। टेक्निकली अगर आप मेरे से बात करोगे तो HDR इसका बेस्ट सोल्यूशन है, ब्रैकेटिंग इसका बेस्ट सोल्यूशन है। लेकिन प्रॉब्लम एक जो बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि जब आप किसी ह्यूमन एलिमेंट को ऐड करते हो तो वहाँ पर ब्रैकेटिंग HDR ये टेक्निक्स थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाती हैं, क्योंकि ह्यूमन का हिलना कॉमन सी बात है। जब हम ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, जब हम जो हमारी बॉडी है वो ब्लड के पंप होने की वजह से शेक करती है, आपके दो शॉट एक जैसे आ पाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। ऐसे में जब आप ब्रैकेटिंग कर रहे हो यानी कि आप एक से ज़्यादा शॉट्स लेने वाले हो और उन सारे शॉट्स को फाइनली मर्ज करोगे, वहाँ पर चैलेंजेज आ सकते हैं। जब आप HDR शॉट ले रहे होते हो सेम चैलेंज आता है। लेकिन अगर आप सिंगल शॉट में इस टाइप के एग्जीक्यूशन करने वाले हो जहाँ पर आपका ब्राइटेस्ट पार्ट तो अपनी जगह पर रहे, उसको आपने प्रॉपर कैप्चर कर लिया, उसके बाद जो डार्केस्ट पार्ट है उस पार्ट को किसी एक्सटर्नल लाइट सोर्स से लिट अप कर देते हो, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, सिंगल शॉट में आ जाता है। दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों ने मेरे जो अभी रिसेंटली मैंने मुंशहरी खलिया टॉप ट्रैक किया था उसके फोटोज देखे होंगे। वहां पर ये फोटोग्राफ मेरा काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा लोगों का। मैंने जब ये फोटोग्राफ कैप्चर किया था तो उस टाइम पे हमने ट्राई किया था कि कुछ इस टाइप का शॉट ले सकें जहाँ पर जो पंचाचूली पीक्स पे लास्ट लाइट है वो भी कैप्चर हो सके और जो टेंट हमने लगाए थे वो उनके साथ एक ह्यूमन एलिमेंट जो कि पंकज है उसको हम लोग ऐड कर सकें। तो इसके लिए मेरे पास अगेन चैलेंज वही था कि लास्ट लाइट है जो आपका ग्राउंड पार्ट है उस पर बहुत ज़्यादा आपको डिटेलिंग नहीं मिल सकती है, तो हमने यहाँ पर लॉन्ग एक्सपोजर शॉट यूज किया। उसके अलावा हमने इसमें एक एक्सटर्नल फ्लैश यूज किया है जिसकी वजह से जो हमारा लैंड पार्ट है वहाँ पर हम लोग ब्राइटनेस बढ़ा सके और जो डिटेलिंग है उस डिटेलिंग में या जो फाइनल शॉट है उस फाइनल शॉट में हमको हमारा जो लेयरिंग है अलग अलग लेयरिंग हम यूज कर रहे होते हैं किसी भी लैंडस्केप फोटोग्राफ में, आप मेरा एक वीडियो भी देख सकते हैं इस पर, तो जो लेयरिंग है वो लेयरिंग हमारी प्रॉपर आ पाई। फर्स्ट लेयर में हमारे पास जो हमने टेंट लगाए वो था, सेकंड लेयर में जो ह्यूमन एलिमेंट हमने पंकज को ऐड किया था वो था, थर्ड लेयर में हमारे पास जो पंचाचूली पीक से नीचे दूसरी माउंटेन्स थी वो हमने थर्ड लेयर में डाली, और फोर्थ लेयर में हमारे पास पंचाचूली पीक्स आई, फाइनल फिफ्थ लेयर में हमारे पास हमारा स्काई रहा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इतनी लेयर का हमारे पास एक फोटोग्राफ बना जो बहुत सारे लोगों ने जिसे अप्रिशिएट किया, अलग अलग पेजेस पे वो रिपोस्ट हुआ है। सो अगर आप मेरे इस पूरी डिटेलिंग को देखो तो आपको एक चीज़ इसमें क्लियरली नज़र आएगी कि मैंने एक एक्सटर्नल लाइट यूज की है, एक फ्लैश लाइट यूज की है, जिसकी वजह से हमारे जो फोटोग्राफ्स थे वो उन फोटोग्राफ्स में एक अलग ही डायमेंशन ऐड हो पाया। अब बारी आती है कि ट्रैवलिंग में क्या आपको क्या क्या इक्विपमेंट आपको कैरी करने चाहिए जो आपके लिए बेस्ट रिजल्ट दे सकें। मैं जो पर्सनली यूज करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा गियर्स कैरी नहीं करता, मैं एक कैमरा और एक 24-105 mm लेंस प्रेफर करता हूँ। दूसरी चीज़ मेरे पास ट्राइपॉड
ट्राइपॉड, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मस्ट हो जाता है। तीसरी चीज़, मैं एक सिंगल फ्लैश यूज करता हूँ जो कि TT520 मार्क टू है। ये मैनुअल लेंस है लेकिन ट्रिगर के साथ आती है। अच्छी बात यह है कि जब आप ट्रिगर यूज करना चाहते हो तो आप इसे काफ़ी दूर रख के भी ऑफ कैमरा यूज कर सकते हो। और जो इसके अलावा और जो चीज़ें आती हैं उनमें एक एक्शन कैमरा और एक मोबाइल विद गिम्बल, ये मेरा प्रॉपर सेटअप रहता है जिसमें जो मेरे किसी भी ट्रैवल में काम आता है। तो किसी भी इस टाइप के शॉट के लिए टेक्निकल टिप ये है कि आपको सबसे पहले जो आपका सबसे ब्राइटेस्ट पार्ट है उसको बैलेंस करना है। एक बार आपको लगता है कि वो आपकी जो लाइट है वो अगर आपका बैलेंस हो गया है, तब आप फिर जो बाकी बचा हुआ पार्ट है, जो यानी कि जो अंडर एक्सपोज पार्ट है, उसको फिर ब्राइट करने की कोशिश करिए। इसी टाइप से हमने खलिया टॉप में कुछ और भी शॉट लिए हैं। इसी टाइप से आप लोगों ने अगर मेरा इंस्टाग्राम पेज देखा हो, आप लोगों ने अगर मेरे यूट्यूब के पुराने एपिसोड्स देखे हों, तो मैंने बहुत जगहों पर ये फ्लैश यूज किया हुआ है। और इस तरीके से सिंगल फ्लैश आप ऐड करके अपने लिए जो अपने पोर्ट्रेट्स हैं उनमें एक अलग ही डायमेंशन ऐड कर सकते हो। और अगर ट्रैवल की बात करें तो ट्रैवल फोटोग्राफ में भी आपका एक नया डायमेंशन ऐड हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।